तो गाइस अभी के टाइम पे हमारे फ्री फायर ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रखी है, क्योंकि एक बहुत ही बेस्ट एंड पॉपुलर फ्री फायर ई स्पोर्ट्स टीम जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती है, इस टीम के दो प्लेयर्स पे बैन लगा दिया गया है। ये टीम पिछले साल 2023 के वर्ल्ड सीरीज में थर्ड पोजिशन पे थी और थाईलैंड के वर्ल्ड सीरीज स्प्रिंग क्वालिफायर्स में ये टीम सेकंड पोजिशन पे थी। तो इतनी डोमिनेटिंग टीम के दो प्लेयर्स पे आखिर क्यों बैन लगा दिया गया, मेन रीजन क्या था? और भाई अगर आप भी एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्पोर्ट्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बताने वाला हूँ जो आप नॉर्मली गेम खेलते वक्त डेली तोड़ते हो, बट अगर स्पोर्ट्स में आपने इस रूल को तोड़ा, ब्रेक किया, तो आपको या आपकी टीम को बैन कर दिया जाएगा। तो आखिर क्या है पूरा मैटर, चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस जिस टीम के दो प्लेयर्स को यहाँ पे बैन किया गया है उस टीम का नाम है C GGG और थाईलैंड में बुरीरम ईस्पोर्ट्स, और यहाँ पे EXP ईस्पोर्ट्स के बाद अगर कोई टीम यहाँ पे डोमिनेट करती है तो वो C GGG है। काफी सारे अचीवमेंट्स इस टीम के पास, और इसी टीम का यहाँ पे दो प्लेयर्स जिनका नाम है C GGG1MORE और C GGG ONFIRE। तो यहाँ पे इन दोनों प्लेयर्स को बैन कर दिया गया है। इन दोनों प्लेयर्स को बैन क्यों किया गया है, इसका रीजन यहाँ पे आपको फ्री फायर ईस्पोर्ट्स थाईलैंड के पेज में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दो दिन पहले इन लोगों ने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट डाला कि यहाँ पे टीम C GGG के C GGG1MORE और C GGG ONFIRE ने एक्टेड recklessly। इसका मतलब यह है कि भाई ये लोग जो है थोड़ा सा एक मतलब होता है ना कि अगर हम लोग कोई भी मैच यहाँ पे 3-4 मैच जीत जाते हैं तो थोड़ा यहाँ पे aggression में आ जाते हैं, बट यही aggression जो है इन दोनों players को यहाँ पे भारी पड़ गया। होता क्या कि यहाँ पे जो C GGG है वो back to back यहाँ पे 3 games यहाँ पे hat-trick लगा देती है। अल्पाइन match number 3, match number 4 और match number 5, तीनों मैचेस में C GGG यहाँ पे बुआ कर देती है हैट्रिक, और यही हैट्रिक इन लोगों को महंगा पड़ गया, क्योंकि भाई कि ये लोग मतलब 3 मैचेस जीतने के बाद यहाँ पे सामने वाली टीम को यहाँ पे मतलब एक तरह से लूजर वूजर यहाँ पे पॉइंट करने लगते हैं और अपने आप को दिखाने लगते हैं कि भाई हम लोगों का सिस्टम है, भाई ये है वो है। मतलब होता है ना कि आदमी जीतने के बाद थोड़ा सा एग्रेशन दिखाने लगता है, थोड़ा सा अपने आप को कुछ समझने लगता है। यही इन दोनों प्लेयर्स ने गलती कर दी, इन लोगों ने यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाया, इन लोगों ने जिन टीम्स को मारा, किल्स किया, अच्छा किल्स करके यहाँ पे इन लोगों ने बुआ निकाला, बट यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा अपोनेंट टीम्स को टीस कर देते हैं कि भाई तुम लोग हम लोगों से आगे नहीं हो, झुक के रहना पड़ेगा। मतलब मैं अपने लैंग्वेज समझा दे रहा हूं, मतलब उन लोगों ने कुछ ऐसा ही किया था। आखिर कैसा इन लोगों ने एक्ट किया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो रीजन आपको पता चल गया कि भाई अगर आप कोई ऑफिशियल ई-स्पोर्ट्स टीम खेल रहे हो कूल माइंड रख के खेलना पड़ता, अगर आप एग्रेशन दिखाओगे तो यहां पे ई-स्पोर्ट्स के रूल बुक में ये रूल है कि वहां आप किसी भी टीम को पोक नहीं कर सकते हैं, यहां पे एग्रेशन नहीं दिखा सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ओवर रिएक्ट ओवर यहां पे नहीं बन सकते हैं। और मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं कि इन लोगों का जो बिहेवियर था जीतने के बाद वो सच में सही नहीं था। मैं आपको ये वाली क्लिप पे देखो, ये match number 5 है, इन लोगों ने बैक टू बैक 3 मैचेस यहां पे बुआ निकाल कर ये लोग आ रहे हैं। एंड ये देखना आप लोग, ये जैसे ये लोग बुआ निकालेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको यहां स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूं और यहां पे जाता हूं, ठीक है। इन लोगों ने यहाँ पे बुआ निकाल लिया, अब आप लोग देखना कि ये लोग मतलब किस तरह से बिहेव करेंगे। ये देखो इस बंदे का, ये शायद पीटर है, हां ये पीटर, ये ऑन फायर है, हां याद आया। तो ये जो ये है थोड़ा, ये देखो ये इतना एग्रेशन भाई ई स्पोर्ट्स में नहीं चलता है। ये देखो इसने कुछ बोला यहाँ पे मुंह छुपा के, बट इसके बाद ये लोग और पोक करेंगे। ये दोनों प्लेयर्स, ये ऑन फायर है, ये C GGG पीटर है, ये लोग थोड़ा सा और पोक करेंगे इसको। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे स्क्रोल करके दिखा दे रहा हूं, जैसे ही कैमरा इन लोगों के सामने ले जाया जाता है किस तो ये लोग सामने वाली टीम को पोक करने लगते हैं। और ये देखना ये लोग थोड़ा सा हैंड से अपना इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर भी दिखाएंगे। तो ये देखो इन लोगों के पास जैसे ही कैमरा ले जाएगा तो ये देखो ये कुछ बोल रहा है, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। अभी बदला था भाई, अभी बदला था, ये टीस कर रहा है टीम को। ये देखना ये ऑन फायर है, ये देखो एकदम शट डाउन वाला ये बोल रहा है, जो कि गलत है भाई। आप ई स्पोर्ट्स टीम्स को पोक नहीं कर सकते। ये लोग अभी भी कुछ कुछ बोल रहे हैं अपने लैंग्वेज में, देखो मतलब बोल रहे हैं कि भाई शांत रहना पड़ेगा। और दूसरी टीम का यहाँ पे मजाक उड़ा रहा है, ये देखना ये जो पीटर है बहुत ज्यादा हंस रहा है, बट इसकी हंसी अभी रोने में बदलने वाली है। तो ये दोनों प्लेयर देखो, ये अभी भी कुछ बोल रहा है, शायद गाली दे रहा है, पोक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है अपने लैंग्वेज में। बाकी के जो दो प्लेयर्स थे वो शांत थे, बट इन दोनों प्लेयर्स, ये मोटू भाई कौन है वे, इतना मोट कुछ नहीं, छोड़ो। तो ये दोनों प्लेयर्स यहाँ पे, छोड़ो यार मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। तो ये आप लोगों ने इनका बिहेवियर देखा, किस तरह से ये लोग पोक कर रहे थे। मेरे को तो लगा यार भाई अपने लैंग्वेज में कुछ गाली गलौज भी कर रहे हैं मतलब सामने वाली टीम्स को। इनको लगा कि भाई ये जो मतलब कैमरामैन है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट कैमरामैन नेवर डाइज, कैमरामैन किसी के भी एल लगाने का दम रखता है। और जैसा कि ये बिल्कुल कैमरा लेके मुंह पे घुस गया, वो लोग गलिया दिए, फिर उन लोगों का यहाँ पे बैन कर दिया गया। बैन यहाँ पे परमानेंट बैन नहीं है, बट हाँ काफी लंबा चौड़ा बैन है ये। आप देख सकते हो C GGG ONFIRE week 3 week 4 के मैचेस नहीं खेल पाएंगे यहाँ पे 7 अप्रैल और 26 अप्रैल और 28
28 अप्रैल, यानी अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 9 अप्रैल है, अपलोड करूंगा 10 अप्रैल को, तो यहाँ पे इनको मतलब टोटल देखेगा तो 18-20 दिन का बैन पेल दिया गया है। और जो सी ट्रिपल जी ऑन मोर है उसको वीक 5 और वीक 6 के लिए बैन कर दिया गया। अभी ये सी ट्रिपल जी ऑन मोर खेल सकता है क्योंकि आपको पता है 5-man स्क्वाड होती है, अगर भाई सभी प्लेयर्स को बैन कर देंगे तो खेलेगी कौन। तो सी ट्रिपल जी ऑन फायर को भाई इस मंथ के लिए बैन किया गया है, सी ट्रिपल जी वन मोर अभी मैचेस खेल सकता है, बट अगले मंथ जब सी ट्रिपल जी ऑन फायर का बैन हटेगा तो सी ट्रिपल जी वन मोर का बैन लग जाएगा, मई में वो नहीं खेल पाएगा और जो ऑन फायर है वो अप्रैल में नहीं खेल पाएगा। तो भाई कुछ इस तरीके का मैटर है, तो भाई कुछ इस तरीके का मैटर हुआ था। और इसके बाद ऑफिशियल्स के कहने पर इनके जो कोच है और ये दोनों प्लेयर जो ऑन फायर और वन मोर है, इन लोगों ने आकर कैमरा के सामने अपोलोजाइज भी किया था कि भाई हाथ जोड़ के मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज बहुत कभी नहीं बोलूंगा भाई, मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। बहन ते ओता तुम्हें अनुना पता चीता दिजल कौन देर साथ में। तो भाई देख लो, इसी को बोलते हैं कि जोश में आदमी को होश नहीं खोना चाहिए। अगर भाई आप जीत रहे हो अच्छी बात है, बट एग्रेशन दिखाओगे, सामने वाली टीम को पोक करोगे तो तुम्हारा हाल यही होगा। तो बाकी चलेगा यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, स्पोर्ट्स रिलेटेड ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।